हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह है स्ट्रेंथ एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड। मतलब जब किसी बॉडी पर जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है वह लग रहा है तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ एनर्जी स्टोर होगी, उसके लिए एक हमें फॉर्मूला जनरेट करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे और इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे कि स्ट्रेंथ एनर्जी क्या होता है और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है। उसका पूरा मैं फॉर्मूला निकालूंगा, विथ डायग्राम बताऊंगा, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें जिससे कि आप उसके कॉन्सेप्ट समझ सकें। यह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, जो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल न्यूमेरिकल के नाम से, उसमें जाके आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दिए, वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्ट्रेंथ एनर्जी क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं हम जानते हैं कि अगर कोई इलास्टिक बॉडी है, मतलब उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि अगर किसी बॉडी पे हम लोड लगाते हैं तो वह क्या होती है, इलांगेट होती, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन होता है, डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन लोड को हटाने पर वह अपनी पुनः अपनी जो स्टार्टिंग की पोजिशन होती है या आरंभिक अवस्था होती है उसमें फिर से रिटर्न पहुंच जाती है, तो उसे इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अब अगर किसी बॉडी पे हम जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, मतलब होता है धीमे धीमे किसी लोड को बढ़ाना, अगर कोई हमारी बॉडी टंगी हुई है उसमें हम धीमे 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 लोड को बढ़ा रहा है, या जिस तरह हम क्रैंक से कोई बॉडी उठाते हैं धीमे धीमे उठाते हैं, उसको पूरा हम हैंग कर देते हैं और पूरा लोड नीचे की ओर लगने लगता है उसका। इस तरह हम किसी बॉडी पे अगर धीमे धीमे लोड लगा बढ़ा रहे हैं और मतलब मिनिमम लोड से मैक्सिमम लोड जितना जो है बॉडी क्या कर सकती है, सहन कर सकती है, टूटे नहीं उस बॉडी में कोई फ्रैक्चर ना हो, वहां तक अगर उसमें फुली लोडेड कर देते हैं तो क्या होगा, उस लोड के कारण क्या होगा, जो बॉडी है उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होंगे। क्या होंगे? स्ट्रेस जनरेट होंगे। वह स्ट्रेस क्या, कुछ ना कुछ वर्क करेंगे उस बॉडी के अंदर। क्या करेंगे? जो वर्क करेंगे, यह जो वर्क होता है, जो स्ट्रेस जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर जो उनके द्वारा किया जाता है, वह किसके रूप में होता है, स्ट्रेंथ एनर्जी के रूप में स्टोर होता है बॉडी के अंदर। किसमें? स्ट्रेंथ एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो फ्रेंड, समझ में आएगा? एक बार मैं एक डेफिनेशन के रूप में बता देता हूं कि अगर किसी बॉडी पर इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उस बॉडी के द्वारा जो एनर्जी स्टोर की जाती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ एनर्जी। ये डेफिनेशन लिखी, इसको आप समझ सकते हैं। इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसके लिए फॉर्मूला जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रेजुअल अप्लाई लोड कैसे लगाएंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ। मान लिया मैंने कि एक कोई बॉडी है ऊपर की ओर क्या फिक्स है, यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, फिक्स है, तो नीचे की ओर लगी हुई है इस तरह, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया मैंने, यह रॉड है। क्या है? रॉड है फ्रेंड्स। इसकी लेंथ मैंने मान ली क्या है, एल है। अब अगर इस बॉडी पर धीमे धीमे हम लोड लगा रहे हैं, मान लिया कुछ लोड लगाया, फिर थोड़ा और लोड बढ़ाया, फिर थोड़ा और लोड बढ़ाया, फिर थोड़ा और लोड बढ़ाया, फिर थोड़ा और लोड बढ़ाया। माना मैंने कि यहां पर जो लोड लगा, मैंने पूरा लोड लगा दिया, ये मैक्सिमम लोड की पोजीशन मान ली, बल्कि मैक्सिमम पूरा लोड लगा दिया, ये फुली लोडेड हो गई। मान लिया यह लोड क्या मान लिया मैंने, पी है। तो इस बॉडी के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, इस बॉडी, ये बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्या नीचे की ओर बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? नीचे की ओर मान लिया मैंने इस तरह बढ़ रहा है, लॉन्गेट हो रहा है। किसके? इलास्टिक सीमा के अंदर। मान लिया मैंने ये जो एरिया है वो कहां पर आ गया, इस तरह आ गया। किसके कारण? लोड के कारण। तो इसके में जो परिवर्तन हो रहा, माना मैंने कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा क्या हो रहा, डेल एल के बराबर, इसके बराबर फ्रेंड्स, डेल एल के बराबर हो रहा। अब इसका मैंने क्या माना, पी क्या हो गया, इसका फोर्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, डेल एल के चेंज इन लेंथ होगा, एल क्या होगा, लेंथ। इसको हम कंसीडर करके लिख लेंगे।
तो फ्रेंड्स हमने कंसीडर कर लिया पी क्या मान लिया लोड जो ग्रेजुअली अप्लाइड है, ए क्या मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ई क्या मान लिया जो भी मटेरियल होगा उसकी मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी हो गई, डेल एल क्या है यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ हो रही। अब हम देख रहे हैं जो लोड था यहाँ पर क्या था, जो भी स्टार्टिंग में कितना जो भी बॉडी का लोड जो भी हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था वो जीरो था, लेकिन मैं धीमे धीमे एक्सटर्नल फोर्स लगाते गए तो आप तक पहुंच गया पी हो गया। मतलब अगर जीरो से पी अगर इसका एक एवरेज लोड निकाल दिया जाए कितना लग रहा है, क्योंकि जीरो से हम ग्रेजुअली धीमे धीमे बढ़ाया, जीरो से कहां पहुंचे पी पर, जो मैक्सिमम लोड वहां तक पहुंचे, तो जो हमारा एवरेज लोड होगा वो क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, एवरेज लोड होता है कि जैसे लगाया कहां से लगाया जीरो प्लस पी से बटे टू, इस तरह निकालते हैं। तो यहां पर जो लोड हो जाए पी वाय टू, तो फ्रेंड्स ये लोड क्या हो गया पी वाय टू, क्योंकि ये एवरेज लोड होता है। अब हमने जैसे बताया अब जी लोड लगा तो जो हमारे इसके अंदर क्या होगा, हमारे स्ट्रेस जनरेट हुई, स्ट्रेस के द्वारा क्या कुछ वर्क किया गया, यह जो वर्क होता किस रूप में स्टोर होता है वो होता है स्ट्रेन एनर्जी के रूप में। तो जो वर्क डन होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू, हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन को हम डब्ल्यू से डिनोटेट करते हैं। फोर्स यहां पर कौन सा है, जो फोर्स हम क्या मैक्सिमम लोड नहीं लगाएंगे, जो एवरेज फोर्स है उसको लेते हैं, किसको लेते हैं जो एवरेज फोर्स है, तो यहां पर लिख देंगे हम एवरेज लोड इनटू डिस्टेंस, कौन सी होगी जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा, या चेंज इन लेंथ लिख सकते हैं यहां पर, या डिफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं इसकी जगह। अब यहां पर अगर एवरेज लिखे तो कितना है पी वाई टू, जो यहां पर मैंने निकाला हुआ है, इनटू डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है जो हमने माना क्या चेंज इन लेंथ डेल एल, ये हो गया वर्क डन के बराबर। अगर इस वर्क डन को हम और आगे बढ़ाएं तो डेल एल इक्वल टू क्या होता है, डेल एल इक्वल टू हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेन एप्सिलॉन से डोनेट करते हैं, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर इस डेल एल को यहां पर निकालना है मुझे तो क्या करेंगे, डेल एल इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू क्या हो जाएगा एल, इस तरह निकाल सकते हैं। तो डेल एल की जगह क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन इनटू एल, यहां हो जाएगा पी वाई टू इनटू एप्सिलॉन इनटू एल, इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब जी एप्सिलॉन होता है यहां पर, एप्सिलॉन को भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर चेंज करते हैं एप्सिलॉन को और पी को, पी क्या होता है लोड, अब हम जानते हैं यहां पर और लिख देते हैं, क्योंकि स्ट्रेन हो गया और स्ट्रेस की भी कॉन्सेप्ट लेंगे, स्ट्रेस को हम डिनोटेट करते हैं किससे, सिग्मा से, इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन ए। अगर यहां पर हमें पी की वैल्यू चाहिए, किसकी, पी की, तो पी इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इनटू ए। अब एक फॉर्मूला और डिस्कशन कर लेते हैं, वो भी हम जानते हैं, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी को हम किससे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल ई से, इसको मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, कैपिटल ई इक्वल टू क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्या होता है सिग्मा अपॉन ए, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर मुझे इसमें जो एप्सिलॉन लिख रहा है स्ट्रेन की वैल्यू निकालना है, स्ट्रेस एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई कैपिटल ई, ये कुछ वैल्यू मैं निकालूंगी, इनको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले, क्योंकि इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेन एनर्जी भी जनरेट हो रही है, स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा है, तो इसलिए सबके कॉन्सेप्ट लगते हैं। मैंने बताने की कोशिश करूंगा डेरिवेशन कैसे हम लगाएंगे। तो हमने यहां पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू, मतलब वर्क डन, पी की जगह क्या रख सकते हैं सिग्मा इंटू ए अपॉन टू, इंटू एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। अब इसको हम एक बार में अगर और लिखना चाहे तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, डब्ल्यू इजकल टू सिग्मा का सिग्मा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर
अपॉन, टू का ई में हो जाएगा टू ई, इंटू क्या बचेगा ए इंटू एल। तो फ्रेंड्स ए ए एल क्या होता है, ए एरिया इंटू वॉल्यूम, क्या होता है एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू होता है फ्रेंड्स वॉल्यूम इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई इंटू वॉल्यूम। इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हैं। अब यहां पर जो मैंने लिखा वो क्या भी इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि ये हमारा जो फॉर्मूला निकला है क्या है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू द वर्क डन, मतलब जो W होता है इसके बराबर होता है स्ट्रेन एनर्जी की। जैसा कि मैं बताता हूँ जो भी हमारा स्ट्रेस वर्क करता है वो किसके वर्क के रूप में मतलब वर्क करता है, वह वर्क स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ जैसे मैंने बताया कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है इक्वल किसके रूप में हो रही है वर्क डन के रूप में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी एनर्जी को हम किससे यू से डोनेटेड करते हैं फ्रेंड्स, यू से डोनेटेड करते हैं स्ट्रेन एनर्जी को जो किसके बराबर होती है वर्क डन के बराबर। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला क्या निकाला वर्क डन का सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई इंटू बी। तो ये हमारा फ्रेंड्स स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया जिसकी मैं डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है जो यहां पर मैंने वर्क डन के थ्रू निकाला हुआ आप देख सकते हैं ये वाला। अब प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, अगर हम मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस निकालना चाहें क्या मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, तो वह क्या होता है ऑफ रेजिलेंस, वह होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है स्ट्रेन एनर्जी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जी मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस की फॉर्मूला का, तो इस फॉर्मूले को हम कैसा लिख सकते हैं क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई इंटू बी, ये फॉर्मूला हो गया पर यूनिट वॉल्यूम का, मतलब स्ट्रेन एनर्जी का ये हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी के पर वॉल्यूम मतलब उसके बटे वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई। तो फ्रेंड्स ये दो फॉर्मूला है, पहला किसका स्ट्रेन एनर्जी के लिए, दूसरा मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस के लिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम से वॉल्यूम कर दे। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक वीडियो था, बताने की कोशिश थी कि किस तरह अपन इसका डेरिवेशन करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये सामने आपको दिख रही है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना शेयर करना फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।